अब स्मार्टफोन वॉर अपने पीक पर है। अब इट्स नॉट जस्ट अनदर स्मार्टफोन, पिचाई साहब इज बैक इन द गेम विद गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो। तो इन्होंने 4A इंडिया के लिए लॉन्च किया था कि चलो ठीक है एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। पिचाई साहब को मिला अमेजिंग रिस्पांस, गूगल पिक्सल 7 आया, 7 प्रो आया और 7A भी लॉन्च किया। अब जो A वाले वेरियंट होते हैं गूगल पिक्सल में वो थोड़े से अफोर्डेबल होते हैं, ये सवाल ना ही पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है कि क्या 8 और 8 प्रो इंडिया में मिलेगा, बात कर लेंगे। कंसिडरिंग फैक्ट कि एंड्रॉइड मार्केट में कंपटीशन तो है बहुत तगड़ा, पिचाई साहब से हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि भैया वो थोड़ी सी और प्राइसिंग कम में लेकर आ जाएंगे, बट दे आर वर्थ द प्राइस कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ नथिंग फोन 2। फोन तो उन्होंने लॉन्च कर दिया बट थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा रखी, और जैसा कि एक महापुरुष ने कहा है नथिंग इज परफेक्ट, और आ ही रहे हैं सेप्टेम्बर में कुक साहब तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर में तो पिचाई साहब बात की शुरुआत होगी डिजाइन से। पिछले साल के गूगल पिक्सल 7, 7 प्रो या फिर 7A अच्छे स्मार्टफोन्स थे, अब लीक्स इतने सारे आ गए हैं कि भाई मेन डिटेल्स तो हमें मिली गई हैं। अब ये तो ऑब्वियसली देखने को मिला है कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो इंक्लाइन हो रही हैं कॉम्पैक्ट डिवाइसेस की तरफ, तो गूगल पिक्सल 8 की जो थिकनेस होगी वो 12 mm कम होगी एज कम्पेयर टू गूगल पिक्सल 7 एंड इंक्लूडिंग द कैमरा एरे, और स्क्रीन साइज रहेगी 6.17 inches। अगर गूगल पिक्सल 7 देखा जाए तो उसकी स्क्रीन साइज थी 6.3 inches, और मित्रों अगर आप रेंडर्स पे ध्यान देंगे तो जो आईफोन 11 की जो आइकॉनिक कर्व डिजाइन थी ऐसा लग रहा है सारी कंपनीज थोड़ा थोड़ा उधर ही जा रही हैं, और as seen in the images आपको देखने को मिलेगा rounded corners kind of Samsung Galaxy S23 Plus, और talking about Google Pixel 8 Pro 6.7 inches का आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलेगा, एक तरफ बड़ी स्क्रीन के साथ बड़ा स्मार्टफोन एंड देन यू हैव Google Pixel 8 विद अ कॉम्पैक्ट। अब मैंने ये देखा है कि हमें जब बॉक्सी डिजाइन आता है तो हमें कर्व डिजाइन चाहिए, जब कर्व डिजाइन आ जाता है तो हमें थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं, अगर आप रेंडर्स को देखेंगे तो आप यही कहेंगे यार गूगल पिक्सल 7 प्रो का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन लग रहा है। बेसिकली इन लोगों ने 3 मेजर चेंजेस किए हैं, और पिक्सल यूजर्स को ये कंप्लेन हमेशा रहती है कि भैया इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना जब आप ब्रॉड डेलाइट में जाते हैं तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी डल सी लगती है। गूगल पिक्सल 8 में आपको 1400 निट्स और गूगल पिक्सल 8 प्रो में 1600 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। यहाँ पे मैं कुक साहब का जिक्र करना चाहूंगा, कुक साहब पिचाई साहब इज ब्रिंगिंग 120Hz इन गूगल पिक्सल 8, तो आप कब ला रहे हैं मतलब जस्ट Asking, क्योंकि Google Pixel 7A में हम लोग को 90Hz के डिस्प्ले देखने को मिली थी, अब उससे थोड़ा सा तो आगे बढ़ेंगे ही। अब Google Pixel 8 का जो लाइनअप है that might support ultrasonic fingerprint sensor. With Google Pixel 7 lineup, we are still on under-display fingerprint sensor, but जो आने वाला है, that should be obviously faster than Google Pixel 7's optical sensor. One obviously being the processor. अब प्रोसेसर की बात चली रही है तो टेंसर G3 चिप जो है वो अंडर टेस्टिंग है, और ये थोड़ा सा कस्टम चिप सेट है दैट इज बेस्ड ऑन Samsung's Exynos 2300 with 3nm architecture. Cook saab is also bringing 3nm, Pichai saab 3nm, but Pichai saab wo thoda sa overheating issues dekh lena, tensor processors hote hain wo thoda sa garam jaldi ho jate hain, so just अब मित्रों सुनने में आ रहा है कि Google Pixel 8 में आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी 128 और 256 GB, वहीं अगर कंपेयर किया जाए Google Pixel 8 Pro में तो 128, 256 और 512 रॉ इमेजेस के साथ में कब भर जाएगा पता ही नहीं लगेगा, पिक्सल के कैमरास भी तो हैं यार। अब डिजाइन तो नो डाउट ज्यादा चेंजेस नहीं है बट जो कैमरा बार है वो चेंज हुआ है, यहाँ पे पिचाई साहब ने इसको थोड़ा सा नीट एंड टाइडी करने की कोशिश की है, एक ही साथ में सारी चीजें डाल दी। अब गूगल पिक्सल 7 प्रो में हम लोग को देखने को मिला था 2 कैमरास और एक तीसरा कैमरा, अब तीनों साथ में आ गए हैं, तो मित्रों देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि गूगल पिक्सल 8 प्रो में यू वुड गेट अ 50MP ISO सेल GN2 मेन सेंसर विद 64MP अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर जो कि होगा IMX 787, जो कि सेम कैमरा सेंसर है गूगल पिक्सल 7A पे। एक तीसरा कैमरा जो कि होगा 58MP का टेलीफोटो लेंस, अब GN2 सेंसर जो है दैट इज केपेबल ऑफ शूटिंग 8K एट 30 FPS। मुझे नहीं लगता ये पिचाई साहब इतना आगे तक जाएंगे क्योंकि G2 चिप G3 चिप जो भी आएगा उसमें उसकी जान थोड़ी लेनी है, ये 8K वाली चीजें हवा में ही है। तो मित्रों कैमराज में तो अपग्रेड अच्छा खासा है।
पिचाई साहब गूगल पिक्सल 8 प्रो में थर्मामीटर लाएंगे। अब ये पहली बार नहीं है कि कोई स्मार्टफोन कंपनी ऐसा कदम उठा रही है, बट अगर आप वीडियो देखेंगे तो दैट इज कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर। हुआवे कर चुका है, ऑनर कर चुका है भाई पिचाई साहब, सेम टेक्नोलॉजी। अब जब पैसे और लॉन्च की बात हो तो जेब देख लेते हैं। तो आपको $650 में गूगल पिक्सल 8 देखने को मिलेगा और गूगल पिक्सल 8 प्रो शायद $1000 का मार्क टच कर जाए। तो मित्रों द वॉर इज ऑन, टिल देन बाय।